तुम्हारा बोल रही शिकागो। इस वक्त मैं शिकागो में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर इंडस हॉस्पिटल का एक फंडरेजिंग डिनर हो रहा है, क्योंकि इंडस हॉस्पिटल बहुत अच्छे काम कर रहा है कराची में और मरीजों के लिए वहाँ पर फ्री इलाज मालजों की सहूलत है। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर जावेद मौजूद हैं और वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंडस हॉस्पिटल की पूरी चेन है और गरीबों के लिए बहुत फ्री इलाज हो रहा है। और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर जावेद इमाम साहब मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं इंडस हॉस्पिटल से मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर जावेद इमाम हियर। इंडस हॉस्पिटल का मैंने कराची पाकिस्तान में 3-4 बार जा चुका हूँ और फॉर्चुनेटली मेरे बहुत सारे रिश्तेदार जाके वहाँ फ्री सर्व करते हैं और इंडस हॉस्पिटल में सारे इलाज फ्री होते हैं। और ये अल्लाह ताला का करम है कि इस तरह के प्रोग्राम पाकिस्तान में हो रहे हैं और उसको सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ शिकागो में ये कर रहे हैं और पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारा गोल ये है कि मैक्सिमम डोनेशन जमा हो और उससे लोगों जो नीडी लोगों उनको फ़ायदा हो और उनमें जो इलाज मुआलजे की जो ज़रूरियात है वो पूरी हो। और हमारी ख्वाहिश यही है कि जो लोग इसे सुन रहे हैं वो भी डोनेशन दें ताकि वो इसमें पीछे ना रह जाएं। और मेरा ख्याल ये है कि ये प्रोजेक्ट बढ़ता रहेगा और इंशाल्लाह कामयाब रहेगा। अच्छा, इंडस हॉस्पिटल के कराची के अलावा और कहाँ प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं? पंजाब में जगह है, फिर सखर में और जगह भी हैं और वो इनडायरेक्टली हैं, लेकिन मेन प्रोजेक्ट जो है और सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है वो इंडस हॉस्पिटल कराची में है। उसकी नई बिल्डिंग बन रही है और इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी तकमील को पहुँचेगी। जी नाज़रीन, जैसा कि आप सुन रहे थे कि डॉक्टर जावेद इमाम साहब मेरे साथ में थे जो इंडस हॉस्पिटल कराची से मुतालिक बता रहे थे कि जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और गरीबों के लिए और सबके लिए वहाँ पर मुफ्त इलाज की सहूलत मौजूद है। अंसार रिज़वी, बोल न्यूज़, शिकागो।